तो दोस्तों डायमंड लीग 2024 के फाइनल इवेंट में जेवलिन थ्रो का इवेंट हो चुका है खत्म। जी हाँ, और हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है जेवलिन थ्रो में इस 2024 डायमंड लीग सीजन का, और क्या ही क्लोज मार्जिन से चैंपियन मिला है। आइए जरा बात करते हैं रिजल्ट की। तो ये है आपके सामने रिजल्ट इस जेवलिन थ्रो के इवेंट का। इसमें एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के, उन्होंने किया है फर्स्ट पे फिनिश। फिर है नीरज चोपड़ा इंडिया के, फिर है जूलियन वेबर जर्मनी के, फिर है एंड्रियन, फिर है गेंकी जापान के, फिर है आर्थुर, और फिर उसके बाद है तिमोथी। अब एंडरसन पीटर्स ने लिया टोटल 6 थ्रो, इनका बेस्ट थ्रो रहा 87.87 मीटर। और हमारे नीरज चोपड़ा ने भी लिए टोटल 6 थ्रो, इनका बेस्ट थ्रो रहा 87.86 मीटर। तो मतलब नीरज चोपड़ा जो है 0.1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से फर्स्ट प्लेस पे फिनिश नहीं कर पाए। सच में यार आंखों से खून आ रहा है देख के। अब देखो यार, नीरज चोपड़ा को जो है लक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, साथ ही वो किसी इंजरी से भी जूझ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ज्यूरिख डायमंड लीग 2024 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो कमबैक जरूर करेंगे, बिकॉज ही इज अ चैंपियन, ही इज अ फाइटर। सो गुड लक नीरज चोपड़ा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि नीरज चोपड़ा एक धांसू कमबैक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।